मुहर्रम से पहले सीरिया में बम धमाका, 6 मरे, सिया धार्मिक स्थल को बनाया निशाना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति सरकार की टॉलरेंस नीति। मणिपुर से एक और परेशान करने वाली खबर, 2 पत्रकारों समेत 27 लोग लापता। सैनिकॉन इंडिया इवेंट का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 23 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। तनाव में जी रहे, दिल्ली में रह रहे मणिपुर छात्र, पुलिस रख रही सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर। पर्यटन क्लिज प्रतियोगिता संपन्न, विजय कॉन्वेंट स्कूल अमरपाटन की टीम को मिला पहला स्थान। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, हड़ताल कर रहे हजारों लिपिकों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं, नियम लाई। सीएम भूपेश बघेल ने बदले मंत्रियों के प्रभार, जाने किसे किस जिले में मिली जिम्मेदारी। एक दूसरे से नफरत करने वाली पार्टियां एकजुट हो रही हैं, INDIA गठबंधन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला। पूर्वी पश्चिमी यूपी पर फोकस, राहुल गांधी के साथ देख सकते हैं अखिलेश जयंत भारत जोड़ो यात्रा, 2.0 के लिए बनी खास रणनीति। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।